क्लास 9th कैसे हैं आप? सब बढ़िया। मैथ्स का देखा वीडियो, समझ में आया कुछ? बहुत कम बच्चों के रिस्पांस आ रहे हैं वहाँ से, कोई डाउट्स वगैरह कोई पूछ नहीं रहा। ठीक है, खूब और ध्यान से पढ़ो। आज मैं फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ, मुझे आदेश हुआ है फिजिक्स पढ़ाने का। तो पहला चैप्टर मैं बता रहा हूँ मोशन, बड़ा ध्यान से सुनना मोशन। अब ये नाम से ही दिख रहा ना, मोशन का मतलब मूव करना, चलते रहना। ठीक है, चल रहा है तो मोशन में हो, नहीं चल रहे हो तो रेस्ट में हो, तेज़ी से दौड़ रहे हो तो मोशन ज़्यादा है, धीरे धीरे चल रहे हो तो मोशन कम है, सिंपली। लेकिन फिजिक्स अलग ही फंड है। फिजिक्स में अगर आप बैठे भी हो ना तो आप मोशन में हो, और अगर आप चल भी रहे हो ना तो आप रेस्ट में हो। तो फिजिक्स अलग ही कंसेप्ट है। फिजिक्स में ये जो डेफिनेशन होता है ना, वो रिलेटिव होता है, तुलनात्मक होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता। जैसे एक बात बताओ कि जैसे अगर मैं कहूँ ना कि मैं काला हूँ, तो इसका मतलब मेरी तुलना भालू से नहीं हो रही है, ठीक है ना, मेरी तुलना इस वाले रंग से नहीं हो रही है, मेरी तुलना आसपास के लोगों से हो रही है। मेरी तुलना अगर मेरे को तुलना करो अफ्रीका के हब्सियों से, उसके मुकाबले में बड़ा चमक रहा हूँ भाई। तो किसी किसी के लिए काला हूँ, किसी किसी के लिए गोरा हूँ, हूँ मैं एक ही इंसान। जैसे एक फॉर एग्जांपल एक बात बताओ, जैसे ये देखो, ये 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 देख रहे हो। आप कहोगे, मैं आप यूँ कहोगे ना कि सर आ रहे हैं। मान लो यहाँ पे कोई बंदा खड़ा होता तो वो क्या कहता? सर जा रहे हैं, मैं केवल चल रहा हूँ, आपके लिए आ रहा हूँ, इसके लिए मैं जा रहा हूँ। तो सब तुलनात्मक है, ठीक है, कंपेयर है। मैं चल रहा हूँ, आपकी तुलना में आ रहा हूँ, इसकी तुलना में जा रहा हूँ, ठीक। तो ये आइंस्टीन का दिया हुआ कंसेप्ट है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जैसे सुनो मेरी बात, जैसे अगर मैं कहूँ ना कि ट्रेन का स्पीड ज़्यादा है, इसका मतलब क्या? किससे ज़्यादा है? मिसाइल से, जेट से, एरोप्लेन से ज़्यादा है क्या? इसका मतलब उसकी तुलना रोड पे चलने वाले चीज़ों से हो रही है, फोर व्हीलर कार से हो रही है, ट्रक से हो रही है, पैदल चलने वालों से हो रही है। एरोप्लेन के मुकाबले उसका स्पीड कम है। अगर मैं कहूँ कि एरोप्लेन का स्पीड कम होता है तो किससे? कार से क्या? अगर एरोप्लेन का स्पीड कम है ना, इसका मतलब उसकी तुलना स्पेसक्राफ्ट से हो रही है, या मिसाइल से हो रही है, या भी जो सेटेलाइट भेजे जा रहे हैं उससे हो रही है। तो दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, सब कुछ तुलनात्मक है, ठीक है ना, सब तुलनात्मक है। अगर आप इंटेलिजेंट हो, इसका मतलब आपके अगल बगल वाले बच्चे जो हैं कम इंटेलिजेंट है, आपका तुलना उनसे हो रही है, आपका तुलना अब्दुल कलाम से नहीं हो रही है, उसका मुकाबले आप कुछ भी नहीं हो। अच्छा, इतने बड़े साइंटिस्ट का नाम लिया, चलो ठीक है। तो दो तीन चीज़ क्लियर कर लीजिए आप, जब आप फिजिक्स आप पढ़िएगा तो हर चीज़ कंपेयर वाला डेफिनेशन होता है, जो भी डेफिनेशन है वो कंपेरेटिवली होता, कोई एब्सोल्यूट नहीं होता, ठीक है। फिर आप पढ़ोगे वेक्टर और स्केलर, उसके बिहा पे या उसके बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कई चीज़ों को। तो मैं पहला अगर डेफिनेशन बोलूँ ना, रेस्ट किसको कहते हो? रेस्ट, ठीक है। तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से रेस्ट का मतलब होता है व्हेन अ बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, द बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। फिर से सुनना, और इस डेफिनेशन को आप बुक से देख के लिख लेना या मेरा सुन के लिख लेना, मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा तो है नहीं, कि व्हेन अ बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, आसपास, द बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। अगर इसी चीज़ को मोशन के बारे में कहते हो कि फिर मोशन किसको कहेंगे, कि मोशन क्या है? तो बस इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेंगे कि व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, रेस्ट में क्या था? डजंट चेंज, यहाँ पे व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इट्स सेड टू बी इन मोशन, ठीक है। अगर एक बात बताओ, ये दोनों का दोनों ना रिलेटिव कंसेप्ट है, मोशन और ये। जैसे एक बात बताओ, मान लो ये बस है ना, मान लो बस है, वैसे तो दिख भी नहीं रहा कि बस है, ठीक है। और यहाँ पे ये, यहाँ पे लेता हूँ मैं बस स्टॉप, ठीक है, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे एक बंदा, बड़ा खूबसूरत सा बंदा है, यहाँ पे एक खड़ा है, स्थिर है, लग रहा होगा ना, चल रहा है, चल नहीं रहा, ये तो स्थिर है, स्थिर है, ठीक है। यानी इसका पैर भी ऐसे कर देते हैं कि स्थिर है, ठीक है, चल। इसके बाद इस बस में ना खिड़की है, और यहाँ भी आदमी है, यहाँ भी आदमी है, यहाँ भी आदमी है, यहाँ भी आदमी है, यहाँ भी, ठीक है,
बहुत सारे आदमी हैं। अब बस इधर चल रहे हैं ना, रोड उधर है, बस की स्पीड में अगर मैं बोलूँ ना 30 किलोमीटर पर आवर, इस बस में हम और तुम भी है मान लो, तो क्या होगा? हम एक दूसरे के लिए क्या है, रेस्ट में, तुम भी वहाँ बैठे हो, हम भी यहाँ बैठे हो, वो रहा ड्राइवर, वो भी वहीं बैठा हुआ है, तो हम एक दूसरे के लिए क्या है, रेस्ट में। लेकिन ज़रा सोचो, यहाँ पे ये जो बंदा है ना, जिसकी तरफ बस आ रही है इस स्पीड से, उसके लिए बस मूव कर रहा है, तो इसका मतलब हम भी मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको देखो, बस स्टॉप, ये भी यही है, ये भी यही है, एक दूसरे के लिए क्या है, रेस्ट में, ठीक है ना। पर हमारे लिए क्या, जो बस में जो बंदा बैठा हुआ है ना, उसके लिए ये क्या है, मोशन में। इसके हाथ पैर हिल भी नहीं रहे, पर इसके लिए बस में चलते हुए बस में ये क्या है, मोशन में, क्योंकि इसका पोजीशन हर समय चेंज होता जा रहा है। तो सराउंडिंग के मुकाबले अगर किसी का पोजीशन चेंज हो रहा है ना, तो वो मोशन में। एक दूसरे के लिए क्या है, रेस्ट में, पर इसके मुकाबले ये मोशन में। एक दूसरे के लिए क्या है, दोनों रेस्ट में, पर इसके मुकाबले ये दोनों क्या, मोशन है, क्योंकि पहले इतना दूरी था, फिर इतना दूरी घट जाएगा, फिर इतना दूरी घट जाएगा, फिर बस आगे निकल जाएगा, ये पीछे, पोजीशन हमेशा चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये मोशन में है, ठीक है। तो जो आपका ये है, आपका रेस्ट और मोशन, वो क्या होता है, रिलेटिव कंसेप्ट होता है, वो एब्सोल्यूट कंसेप्ट नहीं होता, क्लियर है। इसके बाद आप कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ोगे ना, तो बाइफरकेशन होगा, वेक्टर एंड स्केलर। तो ध्यान से सुनना, स्केलर एंड वेक्टर, ये बड़ा काम का चीज़ है, स्केलर एंड वेक्टर। तो खुद ही लिख लेना, आपकी बुक में भी दिया रहेगा, और नहीं तो मैं बोलूँगा, उसको सुन सुन के लिख लेना, एक आप ऐसा बना लेना, उसको सुन सुन के आप लिख लेना। अब स्केलर एंड वेक्टर का डिफरेंस क्या होता है, मेरा क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, ये भी लिख लेना नोट्स में। स्केलर, जैसे एक बात बताओ, जैसे स्केलर होता है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, जैसे मैं कहूँ कि आपका वजन क्या है, 50 किलो, और कुछ बोल सकते हो क्या, कभी ऐसा बोल सकते हो कि मेरा वजन 50 किलो उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, तो ये केवल मैग्नीट्यूड, स्केलर उसको कहते हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। आप सब्जी खरीदने जाते हो, तो सब्जी वाले से क्या बोलते हो, मान लो आपने पैसे दिए तो बोले 5 किलो आलू देना दाएं से बाएं, या दक्षिण से उत्तर, या पूर्व दिशा में आलू देना, ऐसा बोलते हो क्या? केवल बोलते हो 5 किलो आलू, तो वज़न भी क्या हो गया, स्केलर हो गया, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो स्केलर उसको बोलते हैं जिसमें डायरेक्शन होता है, सॉरी, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर हम उसको बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है। जैसे अगर मैं कहूँ ना कि मैं 10 के स्पीड से जा रहा हूँ, मैं 10 के स्पीड से जा रहा हूँ, ये स्केलर हो गया, क्योंकि केवल हम मैग्नीट्यूड बता रहे हैं 10। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ ना कि मैं 10 के स्पीड से उत्तर दिशा में जा रहा हूँ, या तुम्हारी तरफ जा रहा हूँ, या बाएं में जा रहा हूँ, अगर साथ में मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर मैं डायरेक्शन मेंशन कर रहा हूँ ना, इसका मतलब ये क्या हो गया, वेक्टर हो गया। तो डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मैं यहाँ पे लिखूँगा, बिल्कुल भी नहीं, आप सुन सुन के लिखना, आपको याद भी आ जाएगा। तो स्केलर का जो पहला पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट दे, स्केलर का फर्स्ट पॉइंट, दे आर एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड ओनली, दे आर एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड ओनली, लिख लोगे वेक्टर के बारे में पहला पॉइंट, दे आर एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, दे आर एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। दूसरा स्केलर वाले साइड का दूसरा वाला पॉइंट देखना है ना, कि दे कैन एडेड बाई सिंपल अर्थमेटिक मीन, दे कैन एडेड बाई सिंपल अर्थमेटिक मीन, यानी मतलब स्केलर में दूसरा डेफिनेशन अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, इसका मतलब ये ऐसे हो सकता है, 3-2=1 हो सकता है, स्केलर में सिंपल से अर्थमेटिक मीन लगेगा, जो है अपने अलजेबरा पढ़ा है। लेकिन अगर इसके करूँ ना, इसके बारे में क्या बोला, दे कैन बी एडेड बाई सिंपल अर्थमेटिक मीन, एंड इसके बारे में बोलोगे दे कांट, राइट ना, इसको नहीं कर सकते, दे कांट मतलब यहाँ पे 3+2, समझ रहे हो, इसका दूसरा डेफिनेशन क्या हुआ, वेक्टर वाले साइड में क्या लिखोगे, दे कांट एक्सप्रेस बाई
सिंपल अर्थमेटिक मीन, या दे कांट एडेड बाय सिंपल अर्थमेटिक मीन। मतलब अगर यहाँ पे 3+2 ये 5 भी हो सकता है, 3+2 0 भी हो सकता है, 3+2 -2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये आगे आप खुद पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो सिंपल अर्थमेटिक मीन अप्लाई होगा, सिंपल अर्थमेटिक मीन अप्लाई नहीं होगा। अगर मैं थर्ड डेफिनेशन की बात करूँ तो इसको ईजिली ग्राफ पेपर पे प्लॉट नहीं कर सकते हो, स्केलर को ईजिली ग्राफ पेपर पे प्लॉट आप नहीं कर सकते हो। दे कांट बी ईजिली प्लॉटेड ऑन ग्राफ पेपर। थर्ड डेफिनेशन अगर आप लिखना हो तो दे कांट बी ईजिली प्लॉटेड ऑन ग्राफ पेपर। इसके बारे में थर्ड लिखना हो तो दे कैन बी ईजिली प्लॉटेड ऑन ग्राफ पेपर, दे कैन बी ईजिली प्लॉटेड ऑन ग्राफ पेपर। इसके बाद फोर्थ में एग्जाम्पल, आप डेफिनेशन में एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल पे क्या क्या आएगा, एनर्जी, वर्क डन, कुछ भी कह लो, एनर्जी हो गया, डिस्टेंस हो गया, अभी वजन आपने देखा था ना, मास हो गया, ये सब हो गया। इसके एग्जाम्पल में आप देख लो, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सब आप पढ़ोगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी सब पढ़ने वालों अलग से, एक्सेलरेशन हो गया, है ना। तो ये हो गया आपका स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लेना, पहले तो नोट्स बना लेना, ठीक है। आगे हम जो भी डेफिनेशन पढ़ेंगे ना उसमें हम स्केलर और वेक्टर जरूर बताएंगे कि स्केलर है या वेक्टर है, साथ में उसका यूनिट भी बताएंगे कि उसको उसका यूनिट क्या होता है, केजी होता है कि क्या होता है। तो आप फिजिकल यूनिट्स को, आपने पता नहीं 8th grade में था कि नहीं, किसी भी चीज़ को, जैसे मास को क्या कहते हो, केजी, ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, डिस्टेंस को मीटर भी कहते हो, सेंटीमीटर भी कहते हो, तो दो तरह से एक्सप्रेस करते हैं, बल्कि और भी होता है, मील होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, फुट होता है, इंच होता है, पर मेनली दो तरह की होता है। एक होता है यूनिट्स में एसआई यूनिट, एसआई यूनिट्स जिसको आप बोलते हो एमकेएस, या यूं बोल लो एमकेएस यूनिट, एमकेएस यूनिट्स, राइट। एम का मतलब क्या होता है, मीटर। अब मीटर किसके लिए यूज किया जाता है, डिस्टेंस के लिए। के का मतलब होता है किलोग्राम, है ना, मास के लिए। एस का मतलब होता है सेकेंड्स, मतलब जहाँ पे मीटर्स, किलोग्राम, सेकेंड यूज किया जाए उसको हम क्या बोलते हैं, एस आई यूनिट या एम के एस यूनिट। इसके बाद इधर आता है सी जी एस यूनिट, सी जी एस यूनिट्स, राइट। यहाँ पे सी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। जी का मतलब क्या होता है, ग्राम, और एस का मतलब क्या होता है, सेकेंड। तो जहाँ पे चीज़ों को आप सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड में कन्वर्ट कर दो तो उसको आप क्या बोलते हो, सी जी एस यूनिट, ठीक है। तो कल को हम डेफिनेशन अब बताएंगे ना, तो ये सब भी मेंशन करेंगे। अगला जो होता है मोशन पढ़ रहे हो, स्केलर वेक्टर हो गया, डिस्टेंस, डिस्टेंस। अगर मैं कहूँ ना कि मैं 10 मीटर चला तो डिस्टेंस हो गया 10 मीटर, किधर चला कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा, ये स्केलर है। अगर मैं कहता ना कि मैं 10 मीटर चला उत्तर की तरफ, नॉर्थ, तो ये वेक्टर हो जाता है। डिस्टेंस में अगर डायरेक्शन ऐड कर दो ना तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता। तो डिस्टेंस का अगर मैं, अगर आपको डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ ना कि फिजिकल डेफिनेशन क्या होगा डिस्टेंस का, तो द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। सुन लो, द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी, ठीक है, इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये डेफिनेशन हो गया, लिख लोगे ये अपने बुक से देख के लिख लो, और जब भी डेफिनेशन बताओ तो दो तीन चीज और बताया करो। डिस्टेंस हो गया स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी है ना, स्केलर का स्पेलिंग देख लेना तो शायद मैं ऐसे होता है ना, मिस माइंड हो गया इसके साथ, तुम देख लेना, ठीक है, बुक वुक तुम देख लेना, ठीक है। इसके अंदर का क्या होता है ना, मैंने हालांकि ऐसे लिखा है, पता नहीं मुझे थोड़ा शक लग रहा है, अभी देख लेना, बोलना नहीं, ठीक है। इसके अंदर क्वांटिटी होता, और इसका जो ऐसे यूनिट होता डिस्टेंस का, ऐसा ही यूनिट होता, ये किसी भी डेफिनेशन में ये जरूर डाल देना। और सी जी एस यूनिट जो होता है ना, इसका सी जी एस यूनिट इसका होता है सेंटीमीटर,
है ना। तो जब भी आप डेफिनेशन मैंने लिखवा बोल दिया लिख देना, इसके बारे में दो चीज़ बताना कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें केवल मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन है नहीं, ऐसा यूनिट ये होता है, सीरियस यूनिट ये होता है, समझ में। इसके बाद डिस्टेंस हो गया, इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट बोल दें, चलो डिस्प्लेसमेंट बोल दो। बस डिस्टेंस के फॉर्मूले में डायरेक्शन मेंशन कर दो, अपने आप डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। डिस्टेंस के फॉर्मूले में डायरेक्शन अगर मेंशन कर दो तो अपने आप क्या हो जाता, डिस्प्लेसमेंट हो जाता। तो डिस्प्लेसमेंट का होता है कि द, या तो वो वाला लगाओ या फिर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है ना। मतलब ये कहने ऐसे लिख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन ऑफ अ बॉडी मेंशन कर लेना, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, राइट। ठीक है ना, फिर इसके बारे में दो चीज़ बताना पड़ेगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है, और अगर ऐसा यूनिट मीटर होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, ये तो मेंशन। ठीक है, ये हो गया। अब होता क्या, ध्यान से सुने, इसके बारे में कुछ बता रहा हूँ। मान लो आप ए से चले हो, ठीक है, यहाँ तक गए, बी पे गए, ए से चले बी पे गए, बी से फिर सी पे गए, सी से फिर डी पे गए, है ना। तो आपका जो डिस्टेंस हो गया ना, तो डिस्टेंस ऐसा कुछ हो गया, डिस्टेंस हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, सब स्केलर है, ऐड करेंगे अर्थमेटिक मीन अप्लाई करके सीधा सीधा ये। और अगर डिस्प्लेसमेंट होता ना, डिस्प्लेसमेंट अगर की बात करते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन, यहाँ से चले थे आप, ऐसे चले थे, फिर ऐसे गए फिर, और ये तुम्हारा क्या हो गया, फाइनल पोजीशन। तो बस डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ये हो गया, क्लियर है। अब जैसे एक बात बताओ, ध्यान से सुन ले, जैसे मान लो आप पार्क में जाते हो, है ना, ठीक है, और ऐसे घूम के आगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ से तुम चले थे इनिशियल पॉइंट है ना, और ये आप गए इस डायरेक्शन में, और फिर ये फाइनल पॉइंट भी हो गया, फाइनल पॉइंट, ये दोनों पॉइंट हो गए, वहीं आके रुक गए, ठीक है, और इसका जो रेडियस है ना, इसका आर है। तो बताओ डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 2πr, पूरा याद है, पैरीमीटर 2πr। अगर मैं यहाँ पे बोलता ना कि डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो कुछ भी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। ठीक है, अगर मान लो एक और एग्जांपल देते कि तुम यहाँ से चले हो, या चलो यहाँ से चलो, ये इनिशियल है, और यहाँ पे ऐसे से गोल गोल घूम के तुम यहाँ पे फाइनल आ गए हो, बिल्कुल ये वो है, डायमीटर पे आ गए हो, सेंटर है ये, डायमीटर पे आ गए हो, यह है फाइनल, है ना। तो ज़रा एक बात बताओ, इसको रेडियस आर, रेडियस है, तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करता ना, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाता, पूरा अगर ऐसे से गोल गोल घूम जाओ तो पैरीमीटर होता 2πr, तो आधे का क्या होता है, πr। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता ना, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे थोड़ी ना, इनिशियल और फाइनल इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, आर प्लस आर इक्वल टू 2r, मतलब डायमीटर के बराबर हो गया, समझ रहे हो। तो ये कंसेप्ट है किसका, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। आगे देखिए, आगे आता है, अब लिखिए, बल्कि लिख लेना स्पीड, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, स्पीड आपने पता नहीं पहले भी पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, ठीक है, रेट का मतलब होता है समय के रेस्पेक्ट में, जिस जिस फॉर्मूले में रेट सुनाई देना, इसका मतलब उस फॉर्मूले में टाइम से डिवाइड होगा, रेट का मतलब पर मिनट, पर आवर, टाइम के मुकाबले। तो बड़ी बात ध्यान सुनो, जिस भी फॉर्मूले में रेट आया ना, तो उसके डिनोमिनेटर में टाइम जरूर होगा। तो
स्पीड का आपके बुक में दिया रहेगा, आप लिख लेना रेट ऑफ चेंज इन मोशन, है ना, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम ये होता है तुम्हारा। डिस्टेंस का क्या होता है, अभी ऐसा यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है सेकेंड, तो मीटर अपॉन सेकेंड ये होता है स्पीड। इसके बाद वेलोसिटी आते हैं, वेलोसिटी ये होता है रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, है ना, या यूं कह सकते हो रेट ऑफ चेंज इन मोशन इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। इसी डेफिनेशन में आप अगर ऐसे बोल दो कि रेट ऑफ चेंज इन मोशन वो स्पीड है, लेकिन रेट ऑफ चेंज इन मोशन इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, तो वो क्या हो गया, वेलोसिटी हो जाएगा। और वेलोसिटी का रेट अगर निकालना तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट है। मतलब यहाँ पे क्या लोगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट है इसका, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर होता और क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, ये हो गया ऐसा यूनिट। अगर CGS की बात करते तो सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। और स्पीड की जहाँ तक बात है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो ये क्या है भाई, स्केलर, और इस ये क्या होता है, वेक्टर। फिर से आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, स्केलर का स्पेलिंग देख लेना, मुझे लगता है ए और ई मैंने उल्टा लिख दिया, मेरा प्रॉब्लम, अब देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया स्पीड, और देख लिया ना, इसमें न्यूमेरिकल्स बनवाएंगे ध्यान। अगला टॉपिक देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म, एक जैसा, एक समान। जैसे मान लो कोई ट्रेन है, उसकी स्पीड है मान लो 40 किलोमीटर पर आवर, तो इस घंटे 40, अगले घंटे भी 40, फिर उसके अगले घंटे भी 40, तो 40-40 किलोमीटर की जो बराबर दूरी है, बराबर समय में तय कर रही है, इसको बोलेंगे ट्रेन यूनिफॉर्म है। इसका स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म। तो मैं अगर डेफिनेशन की बात करूँ यूनिफॉर्म स्पीड का, इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेट टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर यहीं पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी डाल दूँ ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या होगा, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, वेलोसिटी की बात हो रही है ना, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, इट इज सेट टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और जैसा कि स्पीड है तो इसका मीटर पर सेकेंड होगा, और इसका क्या होगा, इसका भी मीटर पर सेकेंड होगा। ये वाला क्या है, ये वाला स्केलर है, स्केलर का स्पेलिंग चेक कर लेना, मेरा भरोसा मत करना। और ये वाला क्या है, फिर वेक्टर है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन पढ़ लेना। इसके बाद आता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसका होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी ऐसे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, ठीक है ना। वेलोसिटी का क्या होता है, अगर इसका यूनिट्स की बात करो, यूनिट्स क्या होता है भाई, ऐसा यूनिट, तो वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होता, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सारे डेफिनेशन है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा, बड़ा इम्पॉर्टेंट है ना, तो पहले आप इसको ढंग से देख लेना, नेक्स्ट क्लास से इससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है भाई, चलो।